नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे भरतपुर में बारिश ने खोली दावों की पोल, और थोड़ी सी बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी, और नालों की सफाई नहीं होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शहर में निचले इलाके हुए जलमग्न, मुख्य बाजार में दुकानों में घुसा पानी, अब नगर निगम को कोस रहे आमजन। मेयर अभिजीत जाटव ने किए थे कई दावे, जिस CFCD के लिए निगम ने लोन लिया, उस CFCD में भी दीवारों में आई है दरार। शहर में पानी में बहता नजर आ रहा है पूरा विकास। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो तमाम दावे किए गए थे, उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी बारिश क्या हुई यहाँ पर, आप देख रहे हैं पूरी तरह से दरिया तालाब बनता हुआ ये नजर आ रही है सड़कें। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दावे बहुत किए गए थे, लेकिन वो दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। इतने दावे कि दावे खोखले साबित हुए, और आप देख रहे हैं कि ये पानी भर रहा है, आगे जाके यहाँ कीचड़ बनेगा, उसके बाद तमाम तरह की आप देख रहे हैं कि बीमारियां फैलेगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जिस तरह के दावे किए जाते हैं, जरा सी बारिश होती है और ये तमाम दावे खोखले साबित होते हैं। जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं कि क्या काम किया गया है। यहाँ सड़कें जो है दरिया बनी नजर आ रही हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाहन यहाँ पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनको कितनी परेशानी हो रही है, घर में रहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। और ये भरतपुर की तस्वीर है जहाँ पर जो तमाम दावे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, थोड़ी सी बारिश ने उन दावों की पोल खोल कर रख दी है। और थोड़ी सी बारिश निगम के दावों की ये पोल खोली है। नालों की सफाई नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।